केन थाना अंतर्गत सिलावटी गांव के नजदीक एक निजी यात्रा बस में लूट की घटना का मामला सामने आया है। घटना आज सुबह की बताई जा रही है, जब एक निजी यात्री बस ग्वालियर से गुना की ओर आ रही थी, तभी सिलावटी ग्राम के समीप कुछ युवकों द्वारा बस को रोककर बस में मौजूद स्टाफ से हाथापाई की गई एवं उनसे लगभग 2000 रुपए छीन लिए गए, जिसके बाद बस स्टाफ बस सहित कैंट थाने पहुंचे और वहां पर उन्होंने मामले की शिकायत दर्ज कराई है। यहां बस के स्टाफ के लोगों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं लगातार क्षेत्र में हो रही हैं, कि लोग वाहनों से अवैध वसूली करते हैं और रुपए न देने की शक्ल में मारपीट पर उतारू हो जाते हैं, रुपए भी छीन लेते हैं। अब देखने लायक होगा कि पुलिस इस मामले में दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है और कब तक उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाती है। दो ही लोग थे ना, सवारी भी और गाड़ी बनाइए, एक काम यार, नौ लोग से रोज गाड़ी से 200 रुपए मांगते हैं, चंदा करते हैं। कौन? जो सिलावटी के लड़के हैं, बंदना होटल के पास। अच्छा। हाँ, घरों के लड़के हैं और पैसे नहीं देते तो मारपीट करते हैं, सिलग छुड़ा लेते हैं, सवारी गाँव उल्टी सीधी गाली देते हैं, लेटे सवारी गाँव जान से मारने की धमकी देते हैं। पौने 11 बजे रात की, दिन की ये रहते हैं रोड पे, एंट्री करते हैं सब गाड़ियों से। अच्छा। 200 रुपए मांगते हैं, अपन नहीं देते हैं तो मारपीट करते हैं, सिलग छुड़ा लेते हैं, 2000 रुपए छुड़ा लिए। गाड़ी में तो 40-50 सवारी थी, तो सवारियां बोलती नहीं है डर के मारे, तो गाली गलौज करते हैं, दादा हमें तो